शोविक, आपका पिछला सीजन कैसा था दिल्ली डायनामोज के साथ? पिछला सीजन अच्छा था, हम लोग सेमीस में गया। हम लोग के साथ काफ़ी कुछ सीनियर अच्छा प्लेयर था, वर्ल्ड कप विनर था, तो हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा मेंटर था वो लोग, रॉबर्टो कार्लोस, डिसे, मालुदा, हंस, ये सब लोग बहुत हेल्प किया, चिकाओ। सो अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम लोग सेमीस पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनल पे नहीं जा पाए। आपको दिल्ली डायनामोज ने मौका दिया है कि आप ए लीग साइड सेंट्रल कोस्ट मरीनाज एफसी के साथ खेलें और उधर ट्रायल्स जाके देखे आए, आपको उसके बारे में कैसा लग रहा है? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता जो दिल्ली डायनामोज मेरे को दिया। तो मैं कोशिश करेगा फुल इसको यूटिलाइज करने का, क्योंकि ए लीग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो आईएसएल से पुराना है, तो वो लोग काफ़ी मतलब हम लोग स्टैंडर्ड से इंडियन लेवल से काफ़ी हाई है, तो कोशिश करेगा उधर जाके कुछ अच्छा करने का, अच्छा सीखने का, वो लोग का प्लेयर्स लोग के साथ मैच करने का कोशिश करेगा, फुल 100% देगा। तो ये आपका पहली बार है कि कोई इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब के लिए आप प्रोफेशनली ट्रायल्स देने जा रहे हो, आपको कैसे लगता है ये आपको आने वाले सीजन के लिए हेल्प करेगा तैयार करने में? हाँ, ये जो मतलब ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, इसमें अगर कुछ भी पॉजिटिव होगा, मालूम नहीं हम लोग 100% देगा, अगर कुछ भी पॉजिटिव होगा तो आने वाले सीजन के लिए दिल्ली डायनामोज के लिए और भी कुछ अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हम लोग कभी नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही हेल्प करेगा ऊपर में, मतलब इन फ्यूचर अच्छा करने के लिए। आपका अगले सीजन के लिए क्या थॉट्स है नए कोच के साथ? अभी नया कोच तो हम लोग वो भी वर्ल्ड कप विनर है, वो भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कोच है, हम लोग एक बार मिला भी, तो प्रैक्टिस उनका अभी तक नहीं किया स्टार्ट, लेकिन लगता है हम लोग अच्छा, जैसा फर्स्ट ईयर हम लोग फिफ्थ को फिनिश किया, लास्ट ईयर हम लोग सेमीज पे आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो इस साल कोशिश करेगा हम लोग सब टीम एज ए टीम खेल के चैम्पियन होने का। थैंक यू।